Hello, my dear students. Welcome to my channel, Krishna Singhdeo. So, we are meeting here once again for discussing the final accounts chapter, chapter number 7 of commercial application for class 10 ICSE students. These videos are equally important for the students who are studying final accounts and whether they are in grade 11 or they are into some other board where they are introduced with final accounts. Okay, so sabke liye equally important hai. यहाँ पर मैं बुक कौन सी फॉलो कर रही हूँ, दैट इज डेफिनेटली सीबी गुप्ता सर्स बुक फॉर आईसीएसई क्लास 10। चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट किया था एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो आज हम अपना क्लास उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा रिविजन आपको कराऊंगी जो हमने पिछले क्लास में किया था एंड देन वी विल मूव अहेड विद द टुडेज कॉन्सेप्ट। चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारे सामने होता है ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर आते हैं जिसे यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है एक्चुअली में बिजनेस का असली प्रॉफिट नहीं है। क्यों असली प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर से अभी तक हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया है। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद जो फाइनली निकलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी अवर नेट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट देंगे और हमारे पास जो इनकम्स भी है इनडायरेक्ट इनकम्स उनका भी ट्रीटमेंट देंगे। डायरेक्ट इनकम क्या हो जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जो कि हमने कहाँ लिख लिया था, वी हैड रिटर्न इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब बाकी की इनकम्स भी तो हो सकती है ना बिजनेस की, तो वो सारी बाकी की इनकम जो है उनको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जिसमें कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम इनकम होता है। रेवेन्यू फ्रॉम इनकम के अंदर डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव चीजें आती हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह एंड एबनॉर्मल गेन जैसे कि हमने किसी एसेट को प्रॉफिट पे सेल कर दिया, वो सब आता है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स हैं अंडर वेरियस हेड्स, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आता है ग्रॉस लॉस। अगर मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम ग्रॉस लॉस निकला था तो वो ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफर होके आएगा। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाता है ऐसे ही ग्रॉस लॉस जो है वो डेबिट साइड में जाएगा। एक बार हमने ग्रॉस लॉस लिख दिया जो कि ट्रांसफर हो गया है ट्रेडिंग अकाउंट से, उसके बाद हम वेरियस एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके यहाँ पर लिखा जाता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आप भी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सकता है ऐसा सेग्रीगेशन दे। नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आपको ऐसा सेग्रीगेशन आ जाए। तो सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये देखकर ही पता चल जाएगा। आप जब ठीक से रीड करोगे नेम ऑफ द एक्सपेंसेस की कौन से एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है उसे आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर लिख लेंगे। जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगी वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लेंगे। तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, जब तक कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग स्टार्ट नहीं हो जाता उससे पहले वाले जो एक्सपेंस है उसमें से काफी कुछ तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए होते क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बाकी के बचे हुए यहाँ पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस। जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंसेस दिया रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो ऑफिस का रेंट एंड टैक्सेस होता है मोस्टली। हाँ, शोरूम का रेंट कभी दे देंगे तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। देन ऑफिस सैलरीज, तो बहुत पता चल रहा है क्लियरली नाम से ही, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी ऑफिस में ही होगा वो यहाँ आएगा। ऑफिस लाइटिंग नाम पहले ही लगा हुआ है ऑफिस, ये प्रीफिक्स देख के आप समझ जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी ऑफिस का एक्सपेंस है। लीगल चार्जेस भी ऑडिट का ऑफिस का एक्सपेंस है। ऑडिट फीस इज ऑल्सो ऑफिस एक्सपेंस। इंश्योरेंस ऑफिस एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स ऑल्सो ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस कन्वेंस, चैरिटी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टेबल एक्सपेंसेस, लाइसेंस फीस, अपकीप ऑफ कार्स एंड मोटर्स एंड लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट। ओ माई गॉड मैम, इतने सारे एक्सपेंसेस आएंगे, हम लोग कैसे लर्न करेंगे और हम कैसे लिखेंगे? बेटा, एक ही क्वेश्चन में ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको नजर नहीं आने वाले। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे और बहुत ही आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ऐसी कोई भी बड़ी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी कि आप इन एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करके नहीं लिख पाएंगे, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है या नहीं। बहुत ईजिली आप कर लेंगे।
एंड ओनली मंत्रा टू डू दिस इज डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इसके बाद अब गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमने सारे नोट कर लिए. जब उनका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पहले आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग स्टार्ट होएगा, तो हम उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लिख लेंगे. जैसे कि एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है. कैरियज आउटवर्ड, जब गुड्स हमें भेजना है, कहाँ पर भेजना है, शोरूम से लेके कस्टमर की प्लेस तक या हमारे फैक्ट्री से लेकर के शोरूम तक भेजना है, तो उसका हम बोलेंगे हमारे वेयर हाउस से लेके शोरूम तक भेजना, हम उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डालेंगे. गोडाउन रेंट इज ऑल्सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. Sundry trade expenses is also selling and distribution expense, traveling expenses, brokerage, export duty, packing expense. ये देखो, ये आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा पैकिंग कब हो जाएगी. जब आप सेल करने लगे हो, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हो, तब पैकिंग की बात आएगी. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एजेंट्स कमीशन, स्टोरेज, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सारे के सारे आइटम्स आपको यहाँ लिखना है. ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वो मतलब कि हमने कहीं से लोन लिया था, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, या फिर हमने ओवरड्राफ्ट लिया था, दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ लोन ओनली, उसके ऊपर हमें एक्सपेंसेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, हमें उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहलाते हैं. तो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस ऑफ इन एक्सचेंज, डिस्काउंट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है. उसके बाद आपकी लास्ट साइड आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल लॉसेस. जैसे कि हमने क्रेडिट साइड में देखा कि एबनॉर्मल गेन्स हो सकती है, उसी तरीके से यहाँ पर एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं. एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर क्या चीजें आने वाली है? एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं जैसे कि लॉस ऑन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट. कहीं से हमने सामान मंगवाया था या भेज रहे थे, सॉरी, हमारा गुड्स जो है वो क्या हो गया है, लॉस इन ट्रांसिट, रास्ते में गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर लॉस बाय फायर हो गया, या फिर कैश डुप्लीकेशन, मतलब हमारे एम्प्लॉयज ने इन्वेजलमेंट कर लिया कैश का, तो कैश डुप्लीकेशन हो गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हम कोई फिक्स एसेट बेच रहे थे, उसकी बुक वैल्यू से भी हमें कम दाम मिला है. तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेस करा दो. अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हेड होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे. जैसे कि अगर मैं एक टिपिकल एक्सपेंस लूँ कि ऑडिट फीस क्या होता है. ऑडिट फीस का मतलब होता है जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी हो जाती है, तब हमेशा चाहते हैं कि हमारे बुक्स एंड अकाउंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें कि हमने सही सही प्रॉफिट की बुकिंग करी है या नहीं करी है, या जितने एक्सपेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं सही अमाउंट लिखे गए कि नहीं. सो व्हाट डू वी वांट समवन एल्स, एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू कम एंड चेक दिस. तो उसके लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी से चेक करवाते हैं, और दैट चेकिंग इज कॉल्ड ऑडिट. ठीक है, सो ऑडिट फीस उस ऑडिटर को जो कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, जो कि एक सीए होता है, उसको हम क्या देते हैं, ऑडिट फीस देते हैं. इसी तरह से आपको लग रहा होगा एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों आई है यहाँ पे. एक्सपोर्ट ड्यूटी कब होगा, जब आप अपने गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट से बाहर भेजते हो, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर सेल कर रहे हो तो वहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है. इसका ऑपोजिट इम्पोर्ट ड्यूटी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था. ऐसे ही एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों लिखा. देखो, कई बार क्या होता है, हम अपने गुड्स को सेल करने के लिए कुछ तरीके के कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है, और वहां पे हमें एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी खर्च करना पड़ता है. जैसे कि हमने हमारे कस्टमर्स को बुलाया, एक वर्कशॉप करी, एक मीट करा, जहाँ पे हमने किसी सिंगर को बुला लिया, किसी होस्ट को बुला लिया, और उन लोगों ने कुछ शो किया, और वहां पर हमने कस्टमर्स को अपने नए प्रोडक्ट को भी दिखा दिया. तो ये क्या है, एक तरीके का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है ये, जो कि रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक तरीके की सेल्स प्रमोशन टेक्निक जैसे यूज कर रहे हैं. तो ये सारे एक्सपेंसेस अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहे नाम से, डोंट वरी, जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं एक एक को डिटेल में समझाऊंगी. अभी अगर मैं यहाँ बहुत डिटेल में समझाने लगी आपको तो इट मे बिकम बोरिंग, इसलिए मैं एक एक चीज को पकड़ के उसका पूरा डिटेल नहीं समझा रही. जहां जहां पर एक्सपेंसेस आते जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको इसका मतलब भी समझा दूंगी, और ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ऑफिस या एडमिन एक्सपेंस है, ये भी आपको मैं समझा दूंगी. ठीक है, तो अब इसके साथ हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पूरी तरीके से पढ़ लिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे. अगर हमारे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ऐड हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल के साथ. और अगर उल्टा रिवर्स केस हो रहा है, मतलब कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन हम क्या करेंगे, हम इसे जाकर के ऐड कर देंगे, सॉरी डिडक्ट कर देंगे, ग्रॉस आपका नेट लॉस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा
इसे हम डिडक्ट कर देंगे कैपिटल में से, बिकॉज उतने अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसे ट्रीट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है, बैलेंस शीट। लेकिन पहले बैलेंस शीट करने से पहले हमने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, इसका हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, सो दैट हमने अभी तक जो सीखा वो हमें समझ आ गया है या नहीं वो हमें पता चल जाए और हमें एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए बाय डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू वन क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्लास से बैठिए। एंड आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। एंड आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना करके देखेंगे और देखेंगे कैसे नेट प्रॉफिट अराइव करते हैं।